क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। ये जो एसेट और लायबिलिटी ये लिखा नहीं था बुक में, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगा। पांच एंट्रीज है। सबसे पहला एंट्री है ए पार्ट में, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फार्म which had been written up completely in the books that was sold for 3000। एक फर्नीचर था कंप्लीटली डिप्रिशिएट हो गया था, तो बैलेंस शीट के एसेट में आ नहीं रहा था। फिलहाल उसको हमने 3000 में बेच डाला, अनरिकॉर्डेड एसेट बिक गया। तो पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे ना, हम लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स लेजर फुल और डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट कॉलम में रुपीज का सिंबल लगाएंगे और ए पार्ट में लिखेंगे कि हमने बेच डाला अनरिकॉर्डेड एसेट जो कि बैलेंस शीट में है नहीं, वो तो रियलाइजेशन अकाउंट को ऐसे भी नहीं ट्रांसफर होगा, बट बिका जरूर 3000 रुपए कैश मिला। तो कैश एक एसेट है और बिजनेस बंद होने के टाइम पे आ रहा है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 3000। और किसको कौन सी मतलब अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है, रियलाइजेशन के वजह से आ रहा है, तो रेवेन्यू इनकम टू रियलाइजेशन अकाउंट 3000। रियलाइजेशन हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और पैसे आ रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। नरेशन लिखो बीइंग ओल्ड फर्नीचर रिटन ऑफ सोल्ड फॉर 3000। यह हो गया ए पार्ट का। बी पार्ट हो गया आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 1000 वाज रिटन ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर पेड 60% ऑफ द अमाउंट। ये बोला आशीष हमारे एक कस्टमर था, वो 1000 रुपए उसको देना था, तो उसने पैसे दिया नहीं और हमने सोचा कि देगा भी नहीं, हम उसको राइट अप कर दिए थे, हमने उसका नाम डेटर्स के लिस्ट से बैलेंस शीट के एसेट साइड से हटा दिया था, उसका अकाउंट भी क्लोज कर दिया था। अभी वो एकदम से रियलाइज डिसोल्यूशन के टाइम पर हमने बोला भाई कुछ पैसे दे दे, उसने बोला 60% दे पाऊंगा, हमने बोला कुछ तो दे, वो जो भी 60% दिया दैट इज 1000 का 60% तो 600 रुपए। तो कैश अंदर बिजनेस के अंदर आ रहा है और बढ़ भी रहा है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 1000 का 60%, 1000 का 60% भी लिख दिया आपके आपको समझाने के लिए। कैश अकाउंट डेबिटेड 1000 का 60% 600 और बैड डेट का कोई एंट्री नहीं होगा। और क्रेडिट द गिवर ट्रेडिशनल मेथड टू कस्टमर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी इसमें कस्टमर का तो अकाउंट है नहीं, हमारा नॉमिनल अकाउंट इंक्रीज इन रेवेन्यू में आएगा टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 600 रुपए मिल गया। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। देन सी पार्ट, पारस एग्री टू टेक ओवर द फार्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फार्म एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30000। पारस एक पार्टनर था कि बोला कि मैं फार्म का गुडविल ले जाऊंगा, गुडविल एक एसेट है बट वो बुक में लिखा नहीं था, कोई बात नहीं, बट टेक ओवर हो रहा है तो फार्म को गेन हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय पारस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो पारस ले रहा है तो पारस को क्रेडिट करेंगे। एसेट डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ नहीं पर टेक ओवर हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को कम कर देंगे, वो एसेट ले गया, तो पारस का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 30000। डेबिट क्यों कर दिया ना, डेबिट उसके कैपिटल, वो एसेट ले रहे हैं ना, उसके कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड ऑफ जर्नल एंट्रीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के थ्रू ले लिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 30000। रियलाइजेशन एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 30000। नरेशन होगा बीइंग अनरिकॉर्डेड गुडविल टेकन ओवर बाय पारस। सी के बाद डी होगा, डी में है There was an old typewriter which had been written up completely from the farm's books. पूरा depreciate हो गया था typewriter.
इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400, हमने अंदाज लगाया तो 400 एस्टिमेट किया कि 400 रुपए होना चाहिए. इट वॉज टेकन बाई प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%. उसने ली प्रिया ने 400 का 25% कम करके, 400 का 25% होता है 100, 400 से 100 कम करा 300 आया, तो 300 में ले लिया. तो प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन. प्रिया के कैपिटल को हम कम कर देंगे, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड. तो ये होता है मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न थ्योरी. तो प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसने 25% कम करके लिया, 400 का 25% निकालो, 100 रुपये निकलेगा, तो 400 से 100 माइनस करो, 300 लिखो. इतने ड्रामा करने से बेटर होगा 400 का 75% निकालो और लिख दो 300. टू रियलाइजेशन, इट वॉज टेकन थ्रू रियलाइजेशन, रेवेन्यू इनकम है टू रियलाइजेशन अकाउंट. रेवेन्यू नहीं, इट मे बी इट इज कैपिटल इनकम, असेट्स बेच रहे तो इनकम है. तो वट एवर द थिंग मे बी, ये जब भी असेट हम बेचते हैं ये सारे में ए बी सी डी, ये सारे रेवेन्यू नहीं, ये इनकम है, कैपिटल रिसीट है. तो क्रेडिट कैपिटल इनकम 300, बीइंग ओल्ड टाइपराइटर टेकन ओवर बाय प्रिया. डी के बाद ई पार्ट आएगा. ई पार्ट पढ़ो. देयर वाज 100 शेयर्स ऑफ 10 इंच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2000 व्हिच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स. दिस शेयर्स वर वैल्यूड एट 6 एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो हमने 100 शेयर खरीदा था 6 रुपए में, 10 रुपए में, तो ये हो गया 1000. अभी हमने खरीदा 2000 में, 1000 रुपए फेस वैल्यू का शेयर 2000 में खरीदा था. डिसोल्यूशन के डेट पे 6 रुपए एक शेयर का है, तो 100 × 6 = 600, आधा आधा करके दोनों पार्टनर ले लिए. पार्टनर अगर ले जाते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है. 100 शेयर 6 रुपए का आधा लिया पारस. पारस कोई भी एसेट लेता है तो डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड 300, और प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसकी भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. दे टुक थ्रू रियलाइजेशन, दे टुक थ्रू रियलाइजेशन. तो 100 का 6 रुपए हो गया 600 रुपए, बीइंग शेयर्स टेकन ओवर एट रिवैल्यूड वैल्यू इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे और एवरीथिंग आर डेल्ट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉस आएगा क्योंकि हम एसेट लायबिलिटी सारे बेच रहे हैं.